हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। Hey, what's up guys? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जमानती कैसे बना जाता है और जमानती की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और अगर इन सिचुएशन में जमानती मुलजिम को कोर्ट में पेश नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर क्या जुर्माना लगता है और क्या सजा होती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी मुकदमे में अगर आरोपी को अदालत में जब जमानत मिलती है तो आमतौर पर उससे कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत मुचलके के साथ यानी कि खुद के मुचलके के साथ साथ ही उतनी ही रकम पर एक और जमानती पेश करे तो वो अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर किसी पहचान वाले को जमानती के तौर पर कोर्ट में पेश करता है। जो भी जमानती बनता है उसकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। जमानती की जिम्मेदारी सिर्फ बेल बॉन्ड भरने तक ही नहीं होती, हालांकि उसकी जिम्मेदारी है कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी अगर कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो उसको अदालत में पेश करे। क्रिमिनल केस में किसी आरोपी को जब जमानत देने के साथ अगर अदालत ये शर्त लगाती है कि वो खुद के बॉन्ड के अलावा जमानती भी पेश करे तो इस दौरान आरोपी की तरफ से एक जमानतनामा पेश किया जाता है। उस जमानतनामे में आरोपी की पूरी डिटेल भरी जाती है, साथ ही जमानत की सारी डिटेल्स भी होती हैं और बाकी के हिस्से में जिसे उसे जमानती बनाया है उसकी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसमें जमानती का नाम होता है, जमानती का पता होता है, साथ ही वो किसका जमानती बना है, कितनी राशि है जमानत की, ये सारी चीजें उसमें भरी जाती हैं। जमानती को एक हलफनामा भी देना होता है जिसमें ये बताना होता है कि वो आरोपी को कैसे जानता है, अगर वो रिश्तेदार या दोस्त है तो उसे बताना पड़ता है कि वो रिश्तेदार या दोस्त कैसे है, साथ ही जितने जमानत की राशि का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से फिक्स्ड डिपॉजिट या प्रॉपर्टी के पेपर या फिर पे स्लिप वगैरह जमा करनी पड़ती है। इस दौरान कई बार अदालत जमानती से मौके तौर पर सवाल करती है कि कैसे आरोपी को जानता है वगैरह। इस तरह सही सही सवाल का जवाब देने के बाद अदालत बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर अदालत को थोड़ा भी शक होता है तो वो जमानती के पते के वेरिफिकेशन के लिए भी कह सकती है। अगर पता वेरीफाई नहीं होता है, अगर पुलिस को रिपोर्ट निगेटिव आती है तो आरोपी को कोई दूसरा जमानती लाने को कहा जाता है। बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद जब आरोपी जमानत पर छूट जाता है तब जमानती की असली जिम्मेदारी शुरू होती है। कोर्ट में पेश ना होने की वजह से तो अदालत उस जमानती को नोटिस जारी करती है जिसने बेल बॉन्ड भरा है। जमानती को अदालत मौका देती है कि वो आरोपी को अगली तारीख पर पेश करे। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ होता है तब अदालत उसके द्वारा दी गई फिक्स डिपॉजिट या प्रॉपर्टी के कागजात के आधार पर जमानत की राशि को जब्त कर लेती है। अगर जमानत की राशि किसी कारण से जब्त नहीं होती है तो कोर्ट जमानती को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। अगर फिर भी रिकवरी नहीं होती है तो उसे सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेजा जाता है। CRPC के सेक्शन 446 के तहत ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में सिविल इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है और अगर वो तब भी पेश नहीं होता है तब उसे भगोड़ा घोषित करके कार्रवाई शुरू होती है। जब भी आप किसी का जमानती बन रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप उसको जब चाहे कोर्ट में पेश कर सकें, इतना आपको उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका उस पर कंट्रोल नहीं है तो उसकी जमानत कभी मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप जो प्रॉपर्टी रखेंगे, जो बेल बॉन्ड भरेंगे वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपको सजा भी हो सकती है जिसकी अवधि 6 महीने तक हो सकती है। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो में आपने जाना कि जमानती की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, मुलजिम को पेश ना करने की वजह से क्या और कितनी सजा हो सकती है और उस पर कितना जुर्माना लगाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।